कलाकार कंस मेले में पहुंचकर अपनी कला का जादू बिखेर रहे हैं। इस कड़ी में रविवार को प्रसिद्ध गायक नरेश गुर्जर ने कंस मेले में मंच से अपनी आवाज का जादू बिखेरा। एकमानपुर कस्बे में इन दिनों कंस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस कंस मेले में प्रतिदिन नए और प्रसिद्ध गायक एकमानपुर कंस मेले में पहुंचकर भजन और गायन के माध्यम से जलवा बिखेर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को एकमानपुर के कंस मेले में प्रसिद्ध गायक नरेश गुर्जर पहुंचे। मंच से नरेश गुर्जर ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। शुरू हुई प्रसिद्ध गायक नरेश गुर्जर ने अनेकों भेंटों और भजनों के माध्यम से कंस मेले में समा बांध दिया। प्रसिद्ध गायक नरेश गुर्जर को सुनने के लिए सैकड़ों की भीड़ मौजूद थी। देर रात तक ये भीड़ नरेश गुर्जर के भजनों पर नाचती झूमती देखी गई। और दंगल गाने गाने वाले नरेश गुर्जर आज भजनों और भेंटों में सिमट कर रह गए हैं। मून टीवी से बात करते हुए गायक नरेश गुर्जर ने बताया कि बदलते दौर में ये कदम उठाया गया है और भविष्य में रसिया न गाने का निर्णय लिया गया है। गाया आगे बढ़ने के लिए कोई भी कुछ कदम उठा देता है, चाहे कोई डकैत बने, अच्छा काम करे, तो उस टाइम तो केवल नाम बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है जो ना बुद्धि है। उम्र के अनुसार हमने 9 साल हो गए ना आज तक गाया है रसिया, ना गाएंगे जिंदगी भर, गाएं तो मेरे पास आ जाना। तो क्या करते हैं? मैं स्कूटर का बेटा हूँ। तो क्या काम करते हैं? गायक कलाकार। आपका क्या नाम है? हैं? आप क्या करते हैं? मैं गाता हूँ। पहला अपना जो भजन है कौन सा गाया? राष्ट्रभक्ति वाला। राष्ट्रभक्ति वाला।